नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जो कि मॉडल पेपर नंबर 1 होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो आपको फिगर दिखा रहा है, इन चारों आकृतियों में से किन में समाहित है, मतलब किस में है। तो आप देखिए क्वेश्चन को और जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इस ये वाला चित्र आपको इसमें दिखा रहा है? नहीं। इसमें दिखा रहा है? नहीं। इसमें भी नहीं। ये वाला जो आपको फिगर दिखा रहा है अंदर का, वो ये देखिए बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो मतलब ऐसा यूनिक फिगर हमें चुनना है जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। इसमें देखिए ये पांच आपको पॉइंट दिखा रहे हैं, तो अंदर ये पांच पॉइंट है, सॉरी हाँ इसमें पांच पॉइंट है और इसमें भी पांच पॉइंट है। ओके, देन इसमें आपको एक पॉइंट दिखा रहा होगा। ओके, और इसमें देखिए ट्रायंगल कितने हैं, एक दो तीन, और इसमें देखिए एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, और इसमें सर्किल तीन है, तो बट इसमें एक पॉइंट दिखा रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में आपको बताइए कि इसमें यूनिक फिगर कौन सा है। तो देखिए ये यस बना है, ये उल्टा एस बना है, ये देखिए अलग बना है, बट इस वाले में कुछ डिफरेंट है। इसमें कुछ घुमा हुआ थोड़ा सा टुकड़ा है जो हमारा आंसर दे देता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये वाले फिगर में बताइए, तो इस वाले फिगर में क्या है, इसमें देखिए चार खाने हैं, एक दो तीन चार, इसमें देखिए एक दो तीन चार, इसमें देखिए एक दो तीन चार, बट इसमें एक दो तीन, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए चौथे में कौन सा भिन्न है, इसमें देखिए चार पॉइंट चार रेखाएं हैं, इसमें एक दो तीन चार, इसमें देखिए एक दो तीन चार, इसमें देखिए एक दो तीन चार, बट इसमें देखिए एक दो तीन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इसमें यूनिक फिगर बताइए। इसमें देखिए चार रेखाएं हैं, इसमें भी चार रेखाएं, इसमें भी चार रेखाएं हैं, अब बट इसमें तो हैं तो, पर इसमें एक सर ये देखिए आयत या कह सकते हैं आयत बन रहा है एक, या समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, ये समांतर चतुर्भुज बीच में बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा भिन्न है, इसमें देखिए चार खाने हैं, एक दो तीन चार, इसमें भी एक दो तीन चार, इसमें देखिए एक दो तीन चार, बट इसमें दो हैं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा ये जल्दी से बताएं। तो इसका जो आंसर होगा ये देखिए, ये आधा टुकड़ा है, ये आधा टुकड़ा है, ये आधा टुकड़ा है, ये देखिए पूरा टुकड़ा है, तो ये सबसे भिन्न है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एक मिरर रखा हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा फिगर है जो उल्टा बनेगा, इसमें छांटिए, तो देखिए ये वाला उधर चला जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला टुकड़ा हमारा इधर आ गया, ओके, ये लाइन भी हमारी ऐसी हो गई और ये इधर हो गया, देखिए ये आंसर हो गया हमारा। अब इसमें देखिए कौन सा है ऐसा फिगर जो उल्टा बन रहा है, मिरर रखा हुआ है, तो इसमें देखिए ए वाला है ऑप्शन सही, ये वाला पोर्शन देखिए उधर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की दो स्थितियां दी हुई हैं, कौन सा दो अंक दो के विपरीत सतह पर अंकित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले हमें सबसे पहले दोनों फिगरों को देखना है और उसमें ये देखना है कि इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए चार कॉमन मिल रहा है, फिर चार को हम लोग ऐसे लिखेंगे पहले फिगर के लिए, फिर हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे ऐसे ऐसे, तो चार के बाद आया छः, छः के बाद दो, फिर इसमें भी हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे, चार के ये लिख लिया, फिर एक तीन, तो इसमें देखिए कौन सा अंक रिपीट नहीं हो रहा है, कौन सा अंक इसमें दिया नहीं गया, मतलब लिखा नहीं है,
तो पांच नहीं लिखा तो यहाँ पे पांच लग देंगे, तो पूछा क्या गया है दो का विपरीत, ये तो दो का विपरीत हो जाएगा तीन, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी यदि किसी घड़ी में 5:45 हो रहे हैं तो उस समय मिनट और घंटे की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इस केस में जब भी मिनट वाली सुई पीछे हो मिनट वाली सुई आगे हो घंटे वाली सुई से, तो इसमें फार्मूला लगाते हैं ये वाला। ओके, तो इसमें लगाएंगे 9-5, फिर 30 लिख देंगे इंटू माइनस जो मिनट वाली सुई है जिसपे, उस पर 45/2 कर देंगे। तो ये आगे करेंगे, ये 4×4 × 30 माइनस 45/5 को हम लोग लिख सकते हैं 22/2 अंश। फिर ये हो जाएगा 120 माइनस 22.5 अंश, इसको घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 97/2 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर का है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 49, देखिए किसी का वर्ग है तो 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का है, ये 4 का, ये 5 का है, तो 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36। अगला मैं फिगर दिखा रहा, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये 343 आया कैसे, अगर 9 में से 2 घटाएं तो कितना आ जाएगा 7, 7 का क्यूब कर देंगे तो 343। इसी प्रकार हम लोग 26 से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 14, 14 का वर्ग करेंगे क्यूब करेंगे तो 2744। फिर हम लोग 8 से 2 घटाएंगे 6, 6 का क्यूब करेंगे तो 216। 22 से 10 घटाएंगे तो 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 1728। नेक्स्ट हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दो फिगर दिए हुए हैं, इसमें यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फिगर में हम लोग देखेंगे कि 16 कैसे आया, तो इन सबको ऐड कर लें हम लोग तो आ जाएगा 16। अगर 1+5+7+3 करें, मतलब इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा इसको जोड़ा, तो कितना होगा 6 7 6 13 13 3 16, देखिए आ गया। इसी प्रकार इन सबको जोड़ देंगे हम लोग, 9+7+2+4 ये 16+2+4 18+4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, सचिन 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तब भाई फिर से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद रुक जाता है, भाई आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हमें पहले दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर, ये दक्षिण। तो क्या कह रहा है सचिन, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब पश्चिम इधर तरफ जाएगा, तो 5 ये हो गया। ओके, और बाया मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, तो आपको अपने आप को यहाँ पर खड़े करके देख लीजिए, तो बाया आपका क्या होगा ये, तो 15 ये हो जाएगा। फिर तब भाई फिर अपने बाया मुड़कर, अब अपने आप को यहाँ खड़ा करके देखिए, तो बाया आपका कौन सा हो जाएगा ये, फिर कितना चलता है 5 किलोमीटर, रुक जाता है। अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था देन, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये 15 है तो ये भी तो 15 हो जाएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है बाएं बाएं की राइट टू राइट, तो हमेशा माइनस करेंगे, तो इसमें देखिए 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 किसका होता है के का, तो आंसर के। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। जब भी आपके लिए बाएं बाएं या राइट टू राइट की बात करें तो माइनस होता है, देखिए ये भी बाएं से आ रहा है ये भी बाएं से आ रहा है, तो हम लोग माइनस कर देंगे, बाएं से 19 - 11, 19 में से 11 गए तो कितना बचा 8, 8 किसका होता है सिंबल H का, तो आंसर बी। अगला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं दाएं की बात हो रही तब भी माइनस होगा, तो 7 हो जाएगा। और इसमें दाएं से पूछा जा रहा है, अगर बाएं से कंडीशन पूछी जाती यहां से पूछी जाती तो हम लोग को बुन नहीं करते, जब भी दाएं से पूछी जाए तो इसे हम लोग 27 से घटा देंगे, 27 - 7
तो ऑप्शन तो आ जाएगा 20, तो 20 किसका सिंबल होता है, टी का, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि मैं इसका अगला पार्ट आपको प्रोवाइड करा सकूं।